क्या बे, हाथ की रेखाएं देख रहा है? नौकरी की रेखा किधर है? नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिख लिखा, नौकरी की रेखा ही मिट चुकी है। होगी तो मिटेगी ना। इधर आओ। क्या है चाचा? अर्जेंट में पैसे लेने जाना है कहकर साइकिल ले गए। क्या हुआ उसका? साइकिल पर पैसा लाया। साइकिल पर पैसे लेके आए ठीक है, लेकिन साइकिल कहाँ पर है? तेरी साइकिल पर 500 रुपया लाया यार। अरे वो सब ठीक है, मेरी साइकिल कहाँ है? अरे समझता क्यों नहीं तेरी साइकिल पर 500 रुपया लाया यार? बात तेरे को समझ में नहीं आती क्या? तो समझता क्यों नहीं? अरे समझता क्यों नहीं है? अरे भाई तेरी साइकिल पे 500 रुपए लाए, कह रहा हूँ तो समझता क्यों नहीं तू? अरे मेरी साइकिल कहाँ है? अरे कहता हूँ तो समझता क्यों नहीं? समझा कर यार। क्या रे, फिर से कोई लफड़ा नहीं, किया नहीं, है? लफड़ा उपड़ा कुछ नहीं, इसकी साइकिल पे 500 रुपए लाया बस। अरे मेरी साइकिल कहाँ है? अरे मैं कहता हूँ तो समझता ही नहीं। चाचा जी आप ही समझाइए इसको, समझाइए। तेरी साइकिल को मारवाड़ी के पास गिरवी रखकर वो 500 रुपए लेके आया। कितने अच्छे से समझाया। अरे शाम तक मेरी साइकिल नहीं मिली तो तेरा बम्पर बैंड कर दूंगा। अरे क्यों रे, शांति से रहने वाली कॉलोनी को क्यों लफड़े करके नाम? अरे नहीं चाचा, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक टाइम पास करना चाहिए ना। टाइम पास के लिए ऐसे काम करोगे तो तुम्हारी लाइफ कोई काम लायक नहीं रहेगी। अरे दादाजी आप चलिए, कहाँ इन गुंडों के मुंह लगते हैं आप? चलिए चलिए। अरे वो सुन, ये बुड्ढा दीखा समझता क्यों नहीं? टीवी में जानवरों को सलाह देते रहते हैं, वैसे ये सलाह देता रहता है। हेलो माधुरी दीक्षित आंटी। हाय आंटी, मार्केट जा रही हो? नहीं पीछे देखने। इतनी धूप में सिनेमा क्यों आंटी? शांति से घर में टीवी देख सकते हैं ना। अकेले घर पे बैठकर टीवी देखना थोड़ी अच्छा लगता है। सूर्यकांत की पिक्चर पब्लिक में देखने में बहुत मजा है। आप सिनेमा ज्यादा देखकर अंकल से झगड़ती रहती हैं? किसने बताया? और कौन? कॉलोनी के भाई बहन? उतना ही नहीं, आप अंकल के साथ ठीक से नहीं रहती ये भी मालूम पड़ा। इसीलिए आपको बच्चे नहीं है, सब कहते हैं ना। उनको मेरे पति के पास भेज दो, पैदा करेंगे बच्चे। हे भगवान, क्या हुआ? लड़कियों को इतनी खूबसूरत क्यों बनाया? बनाया भी तो साड़ी क्यों दिया? दिया भी तो साइज क्यों दिया? डोंट वरी माय फ्रेंड, छुपी हुई खूबसूरती को ढूंढूंगा। ए कैसे? अब देख मेरा कमाल। अरे कमाल है। ए भाई कोल्ड ड्रिंक्स है क्या? दिखाई नहीं देता? हाँ दिखता है ना। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे चोली के पीछे क्या है मैं बताता हूँ, आजा। वन मिनट। चलो सब दिखाया उसे बताना है। ओके
मुझे ना, मैं आंधी मैं तूफान मैं शोला, मैं हीरो शहंशाह मैं राजा। सुपर भाई यार, इसीलिए तो यार ये फिल्म इतना हाउसफुल चल रही है, तेरे को मालूम नहीं है क्या? वाह सूर्यकांत ने क्या स्टेप दिया है। हाय राम, सूर्यकांत के साथ मैं अपने आप को हीरोइन सोचती हूँ तो सारा बदन झूम उठता है। सूर्यकांत के बदले में मुझे सोचो बदन झूम जाएगा। एक बार घर जाके आईने में देखिए। अरे खोलो खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। क्या रे वेणु, सिनेमा होने के बाद भी इतना शोर सुनाई दे रहा है, चाहने वाले इतने आए हैं क्या? दरवाजा बंद है, लोग इसीलिए चिल्ला रहे हैं। ये देवदास किधर मर गया? ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे देवदास किधर है, देखा क्या? मैंने क्या गलती की है, क्यों मुझे इस तरह सता रही है? मेरी पूरी पगार तुझ पे ही लगा रहा हूँ ना, पैकेट में जाकर सेटल हो गई है क्या तू? निकल निकल तू। दासू? ए दासू? नो आई एम नॉट दासू, आई एम देवदास। मैनेजर साहब, दिन दहाड़े शराब पी रहा है, इधर आइए, पीऊंगा तो चढ़ेगी ही ना। चुप कर, दरवाजा खोल। सॉरी सर, निर्माता करोड़ों खर्च करके फिल्म बनाते हैं और ये लोग टी कहकर सिगरेट कहकर पेशाब कहकर बाहर चले जाते हैं सर, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा सर, नहीं खोलूंगा। अरे गधे, सिनेमा खत्म हो चुका है, ऑपरेटर सुबारा चिल्ला रहा है, जल्दी जा। ठीक है सर। ये लीजिए अपने स्टाफ का पगार, जाकर इस हफ्ते का कलेक्शन 24,000 है, गिन लीजिए। इसको गिनूंगी तो अपने आप को अपमान करने जैसा होगा। कॉफी लीजिए। इनकी तबीयत जब से बिगड़ी है तब से इस परिवार को आप ही का सहारा है। कुछ नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ बस। माँ, अंकल कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटी। माँ मैं मंदिर जाऊँ? तू और मंदिर? आज शुक्रवार है ना माँ, जाकर अर्चना कराती हूँ। ठीक है जाकर। ठीक है ना माँ, चलती हूँ। ठीक है बेटी, लड़की एकदम लक्ष्मी जैसी है, शादी के लायक हो गई। हाँ भैया। साहब को हॉस्पिटल से आने में लेट हो जाएगा, मुझे थिएटर जाना है, शो का टाइम हो चुका है। ठीक है, नमस्ते। अरे अभी तक अपनी स्वीटी आई नहीं, अब तक सो रही होगी, वो हमेशा ऐसा ही करती है। वो देखो स्वीटी आ गई। हाय। ए कैसे कपड़े पहने? चलो बताती हूँ।
अर्चना करनी है। किसके नाम से बेटी? सूर्यकांत। इस लड़के के नाम से? हमारे बॉस के नाम से। अच्छा है, अच्छा है, प्यारा सा। पंडित जी, ये सूर्यकांत नहीं है, हम सबका चहेता हीरो सुपरस्टार सूर्यकांत पंडित जी। उनके नाम से अर्चना? यस, सिर्फ अर्चना नहीं अभिषेक भी करना है। आज कुछ विशेष है क्या? हाँ, आज हमारे सूर्यकांत का बर्थडे है। उसकी एक्टिंग हर सिनेमा में सुपर हिट होने के लिए। अब जो ये पिक्चर रनिंग में चल रही है वो सारे सेंटर्स में 100 डेज चलने के लिए। पूजा कीजिए। क्या हुआ? तेरे साथ चलने में मुझे शर्म आती है। इतनी अगली दिखाई दे रही हूँ? हाँ, बुढ़ी लग रही है। ₹85 है ना? अरे आपके ₹85 उधार हो गए, अभी और क्या ज्यादा दूं मैं आपको उधार? और परसों के पैसे ₹5। टोटल ₹85 तो हो गए हैं आपके। हेलो ब्रदर, क्या हुआ उधर देख? लड़की अच्छी है श्री देवी। बॉल फेंका भाई? मैंने। साले साहब अच्छे हो ना? ए तू चुप बैठ, मैं अभी इनको देखता हूँ, पूरा सीन बदल दूंगा। ए बॉल क्यों फेंका रे? प्रेमी है ना, इसलिए। मन की बात बतानी है ना, इसलिए। प्यार करने का मन है। मेरे दिल में रहने वाली जाने मन। स्वीटी तुम हाँ बोलो तो स्वयंवर होगा। ए ये अच्छी बात नहीं है, इज्जत से आकर स्वीटी को सॉरी कह दो। हमारे प्यार की कहानी में तुम क्यों विलन बन रहे हो? हटो हटो। गुस्सा आता है ना तो नरसिम्हा बनता हूँ। मेरा रास्ता आसान नहीं है, डोंट कम माय वे। ए नरसिम्हा तू चुप रहे। स्वीटी तू इधर आ, हम प्यार करेंगे। एक मारूंगी तो खाड़ी में गिरेगा। हम यम जातक हैं, मारोगी तो खुद ही गिर जाओगे। बॉल जिसने भी फेंका है वो इज्जत से सॉरी बोल दे। स्वीटी स्वीटी कहकर क्यों चिल्ला रहे हो? स्वीटी हम सब की है, हम सब बांट लेंगे। बेचारे बेचारी, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी फिगर की है। कमान फ्रेंड्स, मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। हम लोगों को? तुम पार्टी दोगी? यस, आज हमारे हीरो सूर्यकांत का बर्थडे है। स्वीटी तुम कितनी अच्छी हो, चलो रे पेट भर खाते हैं। चल आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता, इंदिरा पार्क में मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। तेरी गर्लफ्रेंड है? यस, कल ही सेट हुई है। तुम सब जाओ, तुम जाते समय कोंडे को रवि के साथ ले जाना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। बाय सुटी। चलो चलो। हेलो, हमारे फ्रेंड्स आए हैं। ए रुको रे, कुछ शक है, स्वीटी को अचानक प्यार आ गया हम पर। मुझे भी वही शक हो रहा है और मेरी सीधी आंख भी फड़क रही है। अरे
नो प्रॉब्लम रे, स्वीटी सूर्यकांत को जान से भी ज्यादा प्यार करती है और आज उसका बर्थडे भी है। चलो चलो। शर्माना नहीं, जो चाहिए उसका ऑर्डर देना। श्योर, चिकन एंड फिश। मैं डेली घर पर फिश खाकर बोर हो गया हूँ। तेरे घर में हमेशा सूखी मच्छी खाते है ना? करेक्ट बोला। ए जैक्सन, तेरा डांस रोक के बता क्या चाहिए। प्रॉन्स। उसको फ्रांस तो मुझे अमेरिका। ए मोटे, मेरे फ्रांस का मतलब झींगा होता है, समझा? क्या चाहिए सर? क्या है तुम्हारे पास? पिज्जा, बर्गर, स्नैक्स सर। चुटी, ऑर्डर दूं क्या? विद प्लेजर। जो भी है एक एक प्लेट लेकर आ जाओ। अरे यार, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। मुंह बंद कर। क्या बोल रहे हो? तुझे आँख मारेगा बोल रहा है। मैंने कब बोला? तू बोला, मुझे सुनाई दिया। कुछ भी हो, कंसुवी रोड का 100 डेज फंक्शन होगा तो इससे भी ज्यादा ग्रैंड पार्टी दूंगी। ए, क्या खाली पेट के लिए वापस पार्टी है रे? ओके ओके। सुटी, अच्छा खाना खिलाई। थैंक्स। वॉश बेसिन किधर है? अपना हाथ थोड़ी देर ऐसा ही रख। है? वो देखेगा तो। मैंने देखा, किसी को पता चला क्या? ओके फ्रेंड्स, अब मैं तुमको एक मैजिक दिखाती हूँ। इस ग्लास का जो पानी है वो तुम्हारे पसंदीदा कलर का हो जाएगा। चुप कर। तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? रेड। तुम्हारा? ब्लैक। तुम्हारा? ग्रीन। और तुम्हारा? ब्लू। ओके, ओए तुम लोग वहाँ पे जाओ और तुम लोग इधर आओ। आओ भाई आओ, मैजिक होगा, कलर होगा, वो कहानियाँ देखते है ना, बहुत मजा आएगा। आइए आइए, अपने हाथ आगे करो। ओके। ऐसे नहीं, ऐसे। ओके। ठीक छे मेरी माँ। बिना नजर हटाए इन ग्लास में देखो, फिर ही तुम्हारे पसंदीदा कलर्स में बदल जाएंगे। चलो चलो। अरे स्वीटी, तुम जा रही हो? हिला आगे तो गिर के टूट जाएंगे। क्या? ग्लास। जैसे के साथ तैसा करती है हमारी स्वीटी। दैट इज स्वीटी। रंग बदलूंगी कहकर अपना नसीब बदल दिया यार। मैंने कहा तो सुना नहीं, मेरी लेफ्ट आई। ये क्या, ग्लास के साथ में क्या खेल रहे हो? हमारी जिंदगी से ही खेल कर गई। ठीक है बिल तो दो। बिल हम क्यों भरेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। अपने बाप का माल समझ के खा रहे थे क्या तुम लोग? क्या 400 रुपए? तेरी तो बिल नहीं दे रहे हो, ना तोड़ रहे हो, निकाल कपड़े। क्या बोल रहा है यार? कपड़े निकाल कह रहा है। निकालो यार, वो पहले ही सरदार है। उतार उतार। निकालो यार, सरदार है। हाय मम्मी। हेलो डैडी, अभी तक सोए नहीं? hey, अभी टाइम क्या हुआ है? जस्ट 11। अब तक कहाँ घूम रही थी? आज सूर्यकांत का बर्थडे है ना, सिटी के सारे थिएटर्स में कनसे वीरुडू मूवी देख कर आ रही हूँ। रोज एक ही थिएटर में मूवी देखना कैसा लगता है डैडी? अरे जाते दम जो चोली लहंगा पहन के गई थी ना, दुपट्टे वाले कपड़े में सूर्यकांत का मूवी क्या देखना मम्मा? देखो बेटी स्वीटी, चाहत की भी कोई हद होती है। आज ओकेजन है ना डैडी, वही सूर्यकांत का बर्थडे। हाँ ठीक है, चलो चलकर खाना खाते हैं। मैं खाना खा चुकी डैडी। क्या तेरे पापा बिना खाए तेरा इंतजार कर रहे और तू बाहर खाना खा कर रही? डैडी आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं बेटी, सुबह ही मंदिर कहकर बाहर गई और अब तक नहीं लौटी, मैं कैसे खा लेता? आई एम वेरी सॉरी डैडी। आइए खाना खाइए, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर सूर्यकांत का बर्थडे आने तक। यस डैडी। अच्छा तमाशा हुआ ना। मुंह बंद कर, उस बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर है, लेकर आ। टाइम लगाएगा? ए, उसे क्यों निकाला? अंदर रख। इसे क्यों निकाला? ये क्या है दादाजी?
इससे तुझे क्या करना है? बड़ा अजीब सा है दादाजी, बताओ ना क्या है? बताता हूँ लेकिन बाद में भूल जाना। उन दिनों मेरा एक साइंटिस्ट फ्रेंड था, मेरी सिनेमा की दीवानगी देखकर उसी ने वो डिस्क मुझे प्रेजेंट किया था। उसे उस प्रोजेक्टर के सामने लगाकर बाजू का रेड बटन दबाने से थोड़े किरण जाकर स्क्रीन पर गिरेंगे। जब स्क्रीन पर जो एक्टर रहता है वो एक्टर जनता में आ जाता है। सच में? आप तो एनटीआर के दीवाने हैं ना, उन्हें कभी बाहर लेकर आए हैं? नहीं रे, बाहर आने वाले सामान्य हो जाते हैं और उन्हें सिर्फ हम ही पहचान सकते हैं। एंटी राव का सबसे बड़ा दीवाना था, मैं उस महान इंसान को सामान्य इंसान नहीं बनाना चाहता था। दादाजी, मैं क्या गोविंदा के पीछे रहने वाला जॉनी दीवर आपको लग रहा हूँ? मैं जो कह रहा हूँ सच है। वो अब भी काम कर रहा है? काम करता है? एक बात कान खोल कर सुन ले, तूने उसको ट्राई किया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ए, इधर क्या देख रहा है? पिक्चर स्टार्ट करो। सच डैडी, वो विलन ने हीरोइन को किडनैप कर लिया था तो तब सूर्यकांत ने जो फाइट की ना, सीटी सीटी बजी। क्यों बेटी स्वीटी, कोई सिनेमा की कहानी सुना रही हो क्या? हर रोज कहानी बता बता कर तंग कर दिया, एक ही कहानी बार बार दोहरा रही है ये। सर कैसे इतना कम क्यों है? कलेक्शंस ड्रॉप हो गए क्या? बहुत अच्छे हो गए साहब जी, जो बात है वो बात बतानी चाहिए। स्वीटी फंक्शन बहुत अच्छा की है। क्या स्वीटी ने फंक्शन किया? अरे साहब, वो अपने हाल में चल रहा है सिनेमा 100 डेज फंक्शन, आपने करने कहा, लड़की झूठ नहीं बोलेगी सोचकर आपसे बिना पूछे ही कलेक्शन का पैसा दे दिया। अब तो तू झूठ बातें करना भी सीख गई है। देखो डैडी, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ तो भी मम्मी को गुस्सा आता है। इतना भी खर्चा नहीं करेंगे तो थिएटर का नाम कैसे होगा? सच है बेटी, मैं ये सोच ही नहीं पाया। शादी के लायक हुई लड़की बिना डर के कुछ भी कर रही है, उसे डांटना छोड़कर उसकी तारीफ कर रहे हो? अपनी स्वीटी को मैं डांटूं? नेवर। आजकल शादी करके ससुराल जाने वाली उधर कैसे रहेगी? हाँ साहब, बेजवाड़ा से कोई रिश्ता आने वाला है, कह रहे थे कब आने वाले हैं? मोहन राव का आना नहीं होगा, लड़के को भेजेंगे, फोन किया था। नमस्ते अंकल। क्या हाल है बेटे? पिताजी ठीक है ना? फाइन, आपको पूछने कहा है। ये मेरी पत्नी है। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी, बैठो। आओ बैठो। स्वीटी, हमारी लड़की संध्या, प्यार से स्वीटी कहते हैं। इनसे मिलो स्वीटी, ये मोहन राव जी के लड़के गोपी। हेलो। हाय अंकल, इफ यू डोंट माइंड, स्वीटी से जरा पर्सनल बात करनी है। ओके श्योर। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हेलो। हेलो, कुछ पर्सनल बात करनी है आपने कहा? ओह यस, आपकी हॉबीज क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग एंड मूवीज। डिस्को में जाती हूँ? हाँ कभी कभी जाती हूँ। ड्राइविंग जानती हूँ? 2 बार एक्सीडेंट भी कर चुकी हूँ। आपको हॉर्स राइडिंग आती है? खाना बनाने आता है? बनवाना भी आता है। शेयर्स में आप जॉब कर रहे हैं ना? हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर। कहाँ पे? हैदराबाद सिटी में। सिनेमा देखते हो? रेयर। फिर तो आप सूर्यकांत को जानते होंगे। सूर्यकांत कौन है वो? सुपरस्टार। वो सिनेमा वाला सूर्यकांत? जानता हूँ जानता हूँ। अभी की उनकी रिलीज ने कितने सेंटर्स में सेंचुरी मारी है बताएंगे? मेरी बहन की शादी में सूर्यकांत की बहन का किरदार किसने निभाया था? भाग चले चल। किधर? भाग चले चल इस मूवी में विलन कौन था? डेफिनेटली मैं नहीं। नमस्ते। इंटरव्यू हो गया? फिनिश आंटी, मैं फेल हो गया, आता हूँ आंटी। क्या हुआ? उसकी पसंद और मेरी पसंद मिल नहीं रही थी मम्मी। ए, तेरा नाम क्या है? अरिवीरा भयंकर चंड प्रचंड उद्दंड मार्तंड भूपति। भूपति बुलाएंगे बस। विद प्लेजर सर। डैडी कॉलेज जा रही हूँ, पॉकेट मनी चाहिए। कितने चाहिए बेटी? जस्ट 500, आज के लिए एडजस्ट कर लूंगी। 500 रुपया एक दिन के लिए तुझे चाहिए? हाँ स्वीटी, ऐसे तेरा खर्चा क्या है? भूपति लड़की को सीधे कॉलेज से ले जाकर शाम को सीधे घर लाना, बीच में कहीं रोकना नहीं, 1000 आंखों से ध्यान देना। 1000 आंखें तो इंद्र जी की है माजी, मुझे तो बस 2 आंख हैं। बस ये ऐसे ही बोल रही है। हाँ, रास्ते में बेकार की गैंग है, उनसे मिलने मत देना।
इतनी छोटी उम्र में मालकिन के इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं? मुझ में उतना सेंस है, वो छोटे बच्चे हैं। बाय, सी यू। बाय बाय। हाँ, जो कहा समझे ना? समझ गया माजी। इंद्र जी को इतनी सारी आंखें थी, उनकी आंख खराब हो जाएगी तो वो किस आंख को चश्मा लगाएंगे? शाम को आएगा ना तब बताऊंगा। चल अब जाओ, जाओ। ठीक है। इस पे तो मुझे शक हो रहा है, ड्राइविंग करता है ना? मुझे भी तो शक है। सीएम डाउन डाउन। एजुकेशन मिनिस्टर डाउन डाउन। मुख्यमंत्री डाउन डाउन। सीएम डाउन डाउन। एजुकेशन मिनिस्टर डाउन डाउन। मुख्यमंत्री डाउन डाउन। सीएम डाउन डाउन। एजुकेशन मिनिस्टर डाउन डाउन। मुख्यमंत्री डाउन डाउन। मेरे प्रिय सहपाठियों और मेरे साथी, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोकने के लिए, सरकार गिराने के लिए फोन करके गवर्नर से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डाउन डाउन। प्राइम मिनिस्टर डाउन डाउन। प्राइम मिनिस्टर डाउन डाउन। क्या बच्चों, ये सब क्या है? मोर्चा क्यों निकाला है? फर्स्ट स्टैंडर्ड का पेपर लीक हुआ है। एमबी पेपर लीक हुआ, एमसीटी पेपर लीक हुए, सुना था। लेकिन इतने चीप पहली कक्षा के पेपर लीक हुए? उतना ही नहीं, एलकेजी का पेपर भी लीक हुआ। हमको न्याय चाहिए। शाबाश, तुम बच्चे नहीं चिंगारी हो। तुम सब मिलकर अच्छी स्ट्राइक करो, चार बस जला दो, पांच रेल गिरा दो, लेकिन हमको थोड़ा रास्ता तो जाने के लिए। अरे बाप रे, टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हुआ, अब क्या होगा? 10 मिनट में टायर बदलता हूँ। अपना सर बदलो। सर से याद आया, रावण को 10 सर है ना, उन्हें सरदर्द होगा तो कौन से सर पर झंडू बम लगाएंगे? वाह, कैसा सवाल करता है। आहा, हाई टेक सिटी जैसा आपका ब्रेन है, आफ्टर ऑल ड्राइविंग सीट पे जो बैठे हो। इतने दिनों के बाद मेरे टैलेंट को सिर्फ आपने पहचाना। इतने इंटेलिजेंट होकर भी आपकी माँ इनको बेकार गैंग कहती है। आप जाओ मालकिन, जाओ जाओ बच्चों, जाओ। चलो चलो चलो। हाँ। अरे गाड़ी क्यों रोकी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम सच में सूर्यकांत की फैन हो? अरे तुम्हें दिल है कि नहीं? अगर है तो उसमें सूर्यकांत के लिए थोड़ी जगह है क्या? क्या हुआ आज तुमको? अपने सूर्यकांत का सिनेमा जेम्स बॉन्ड कल रिलीज है और तुम कॉलेज जा रही हो। तो कॉलेज जाने के लिए पैर कहाँ से आए? इसलिए तो कार में जा रही हूँ। चुप कर। डोंट वरी यार, फर्स्ट डे मॉर्निंग शो देखने जाएंगे। जनता के साथ देखने अपनी क्या स्पेशलिटी है? ओ, इसके लिए इतना परेशान हो रहे हो? एक प्लान बताती हूँ। हाँ। में लेट हुआ। ठीक है ठीक है, चल। हाँ। स्वीटी, तुम आगे बैठो, मैं प्रोजेक्टर चालू करता हूँ। आओ। जल्दी स्टार्ट करो ना।
पता है कल स्कूल में क्या हुआ? सालार किंग म्यूजियम है। ये सालार म्यूजियम नहीं है, ये उसका मैप है। मुंह बंद करके जो कह रहा हूँ वो सुन। इस म्यूजियम में 100 करोड़ के कीमती डायमंड्स हैं। 100 करोड़? यस। इनकी चोरी करके हम इसको अमेरिका में बेचेंगे और उसके बाद हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे। क्यों बॉस? चांद का किडनैप करने के लिए। ग्रेट आइडिया बॉस। इस म्यूजियम में सख्त सिक्योरिटी है, उनकी आंख में धूल झोंक कर हम सबको अंदर जाना है। उन सबको गन से शूट करके अंदर जाएंगे तो? तब हम सबको मशीन गन से शूट कर देंगे। आपने जो कहा वो करेक्ट है बॉस। ए जॉनी, तू क्यों नहीं बोला रे? मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ, मेरे डायलॉग नहीं है। सबको काम दोगे तो आप क्या करोगे? मैं म्यूजियम का डोर लॉक खोलने की कोशिश करूंगा। ग्रेट आइडिया बॉस। इतना इजी है तो पहले ही चोरी कर लेते ना। सिक्योरिटी गार्ड को इजीली धोखा दे सकते हैं, लेकिन 24 घंटे 48 आंखों से देखने वाले को धोखा देना मुश्किल है। कौन है वो? जेम्स बॉन्ड 000। जब तक जेम्स बॉन्ड रहेगा तब तक डायमंड्स नहीं चुराएंगे। चलो चलते हैं। रुको, उस जेम्स बॉन्ड के बारे में जो सीक्रेट कोई नहीं जानता वो मैं जानता हूँ। क्या है सीक्रेट? वो रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक किसी को दिखाई नहीं देता। ए, जो कहा वो याद है ना? संभल के मूव। ओके। वो तलवार नहीं है रे, हाथी का दांत है। ज्यादा बोलेगा तो दांत तोड़ दूंगा। चल। बॉस टोपी निकालेंगे तो ऐसे ही लगते ना? उनके पीछे हम भी ऐसे ही लगते हैं। चलो चल चल चल। बॉस, अगर आपको इसके अंदर रखें तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया। ए चल रहे। बॉस, ताजमहल बॉस। ए ताजमहल नहीं, अरे गोलकुंडा है। 100 करोड़। Thank you.
100 करोड़। रुक जाओ बॉस। ये क्या हुआ रे? डायमंड चुराने पर लेजर के किन्ने गिरेंगी, मैं चेक करता हूँ। ओके। कम ऑन। जल्दी कर रहे हैं। डायमंड को अच्छे से चुराया बॉस। इसमें मेरा हिस्सा कितना है बॉस? 50 करोड़, वो तुम सब के लिए। सबने मिलकर मेहनत किया है, हिस्सा बराबर का होगा बॉस। ए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे असिस्टेंट, प्लान मैंने किया पक्का। बॉस, बॉस, म्यूजियम भी अपने पीछे आ रहा है बॉस। मुंह बंद कर रहे, म्यूजियम पार कर 100 किलोमीटर आगे आ गए। 100 किलोमीटर नहीं, 1 इंच भी नहीं हिली। नीचे देखो। ये काम किसने किया रे? जरा उधर देखो। बॉन्ड, इज्जत से हमारा रास्ता छोड़ दो। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं कोई क्राइम नहीं होने दूंगा। फिर तुम नहीं रहोगे। तुम्हारा ये रिवॉल्वर और ये बुलेट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इज्जत से वो डायमंड मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा। वो सरकार के डायमंड है, लाओ जल्दी मुझे दो। बॉस, वो डायमंड दे दो बॉस, आप जिंदा रहेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे। एक बुलेट काफी है, तू, तेरी जिप्सी, तेरे आदमी सब खत्म हो जाएंगे। मरोगे या दोगे? ये देखो बुलेट। आप बताओ क्या करोगे? ए, पकड़ो। अरे मुझे नहीं रहा, उसको पकड़ो, जाओ। ये रिबन दो क्यों है? एक कट करो सर। दो क्यों है? कौन है वा? मैनरलेस फॉल, कोई शराबी होगा सर। कौन है वा? रिबन किधर है?
कंफ्यूजन में ड्रिंक ज्यादा हो गया। एवन किधर है? काट रहा हूँ। हम हई हुस्न के रंग, हम खाबो के
ए, इधर आओ, शटर बंद करो। ए, उसको यहाँ से बाहर जाने का यही एक रास्ता है, जाओ ढूंढो उसे। बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, मुंह बंद कर जा। उसमें बुलेट किधर है? जो था वो म्यूजियम के पास जला दिया। ऐसा होगा पहले मालूम था, इसलिए इमरजेंसी में तलवार लाया। शोभराज से बचकर किधर जाएगा रे? कौन हो तुम? स्वीटी, आई एम स्वीटी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ नहीं आई हूँ, आपको यहाँ पे लाई हूँ। वो किस लिए? क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। क्या हुआ? गुंडे। यहाँ कोई भी नहीं आएगा, ये हमारा घर है। डायमंड, डायमंड कहाँ है? मेरे पास हिफाजत से है। क्यों निकाले तुमने? ला दो। मैं जो बोलूंगी वैसा करोगे तो दूंगी। क्या करना होगा मुझे? मालकिन दरवाजा खोलो। अरे अरे अरे, हमारी काम वाली। तो मुझे क्या करना है? तुम्हें इधर देखेगी तो चिल्लाएगी। उससे मुझे क्या करना है? डायमंड चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। फिर चलो, यहाँ पुतले की तरह खड़े रहो। क्या बेटी, इतनी गहरी नींद, कितनी बार दरवाजा ठोकू? बाप रे बाप, ये तो सूर्यकांत जी है। ए, सूर्यकांत नहीं है, पुतला है। पुतला? ये क्या मालकिन, आदमी को पुतला कहती है?
मालकिन मैं भी सूर्यकांत की एसी हूँ। एसी नहीं फैन। हाँ वही। मालकिन तुम मानो तो एक बात कहूँ। एक बार क्या है? अरे 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 क्या करी? छोड़ दे। अरे छोड़। अरे क्या करी? छोड़ो, मर जाएगा। पुतला मरता है क्या मालकिन? आप भी क्या बात करती हैं? तू पहले बाहर जा। अरे सूर्यकांत स्वीटी सूर्यकांत के लिए कपड़ा लाने कहा था ना, ये लो। ओके तू जा। किधर जा रहे हो बच्चों? तुमने उस दिन होटल में हमें रुलाया था ना? छोड़ जाने के बाद 6 महीने के बाद कुत्ता भोंकता है, जैसे हमने कब किया और तुम अब भोंक रहे हो। ए, इनका क्या करे रे? एक काम करो, इसका शर्ट निकालो, पैंट भी निकालो। छोड़ो। अरे छोड़ो। अगर हिम्मत है तो यही खड़े रहना, अभी आता हूँ मैं। अरे भाई इतने दिनों के बाद मुझे सुकून मिला है। यार अरे भाई एकदम देना। अरे अरे तू 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 देना भाई। अरे प्लीज यार। नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? अरे तू दम मारेगा तो तेरी छाती नीचे आ जाएगी रे। अरे प्रकाश तेरा उदास चेहरा देखकर मुझे दया आ रही है। एकदम ले ले। तब तो नहीं दे रहा था। तब ऐसे बोला पर अब ऐसे बोल रहा हूँ। क्या स्टाइल है रे। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे मुझे एक छोटा डाउट है। तू ऐसे दम पे दम लिए जा रहा है, अगर सडनली तेरे पिताजी देखेंगे तो क्या करेगा? डोंट केयर, हम सब फॉरेन कल्चर हैं। अरे तुम्हें एक बात मालूम है, हम आपके कौन जैसे और हम साथ साथ हैं जैसे क्लोज रहते हैं। तो क्लोज एकदम। कौन है बे? क्या अपना फॉरेन कल्चर है? शाम को घर आ तुझे बता दूं। तुमने बच्चों को क्यों डरा है? ये कौन सूर्यकांत का डुप्लीकेट है? हमसे डर कर एक बॉडीगार्ड को रखी है ना सुटी? बॉन्ड देख क्या रहे हो, मारो इसे। बाजू हटो। क्यों रे? तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। क्या है? डरा रहा है? हाँ? हाँ? क्या बोला था? गुरु, आसमान में प्लेन की तरह उड़ने वाले आप, सिर्फ 4 आदमियों को आप नहीं मार सके? पहले ही वो मार से बेहाल है और तुम बकवास कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। जाते हैं। हमने सोचा कि बहुत बड़ा हीरो है, ये तो 0 निकला। चलो रे चलते हैं। Thank you.
रुक 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 जाना जाने जाना, झुक 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 जाना दिल भर जाना, पास मेरे आके दिल में समा के से लव लव, अपना बना के सपने सजा के से लव लव, मैं दीवाना जाना मैं परवाना जाना तेरे ही लिए, रुक 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 जाना ओ मैं सताना, झुक 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 जाना दिल दीवाना, दिल मुझे लेके दिल मेरा लेके से लव लव, ख्वाबों में आके बाहों में छाके से लव लव, तेरे लिए मैं हूँ मेरे लिए तू है ओ सदियों से तू मेरे, खरीद कर उसमें ताश खेलते हुए जिंदगी आराम से बिताएंगे। बहुत अच्छा प्लान है बॉस। एची टाइम बैंड में जाकर उसमें डूब जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आराम से कृष्णा ओबेराय में कॉफी पीने वाले हम, ऐसे ईरानी होटल में कटिंग पीने की नौबत आ गई हमारी। ये क्या रामा रेड्डी जैसा टकला बना घूम रहा है? वो यहाँ क्यों आएगा? उसे चिरंजीवी नागार्जुन जैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए। ये क्या रामा रेड्डी जैसा टकला बना घूम रहा है? पांच सौ का छुट्टा नहीं है सर। कोई बात नहीं, रख ले जा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये क्या नकली नोट दिया? तूने जो गर्म पानी पिलाया उसके लिए यही काफी है, जा। क्या कह रहे हो? क्या कहा? गंदा हो गया हूँ, एक बाल्टी में पानी और साबुन लेकर आ, मुझे नहाना है, जा। साहब ए, बातें बड़ी बड़ी करता हूँ, नकली नोट दे रहा है, इज्जत से पैसा निकाल। ए, क्या रुबाब झाड़ रहा है, ज्यादा बोलेगा तो चीर दूंगा, समझा? ए, काट डालूंगा, ए, काट डालूंगा। ए, बॉस, 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 वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड जैसे दिख रहा है। अरे ये तो बिल्कुल विचित्र बात है। अरे हाँ? वो विचित्र नहीं है, वही बॉन्ड है। अरे तो फिर पकड़ उसको, चल चलो चलो। सर, पैसा सर। ए, जा रहे। वो डायमंड कहाँ है? कब दोगे? तुम जैसा कह रही हो वैसा कर रहा हूँ ना, कब दोगे बताओ? सारी जिंदगी मैं जैसा कहूंगी वैसा रहोगे तो दूंगी। ए,
मेरी बात मानते क्यों नहीं? खेल खेल रही हो क्या? पकड़ उसको, चल ए पकड़ो रे। अरे बाप रे, क्या हुआ साहब? ए खून का और कलर का डिफरेंस नहीं मालूम तुझको क्या? इज्जत से डायमंड दे दे। नहीं दूंगा। तुझे 10 करोड़ शेयर दूंगा। 100 करोड़ भी देगा तो भी नहीं दूंगा। ऐसे की सुनकर तो लाज भी उठकर बैठ जाती है। सही है सर, एग्जांपल मैं ही हूँ। मुझे 1 करोड़ दे दो। मेरा कोर्ट दूं क्या? बात मत कर, बोलेगा तो मार दूंगा। ऑलरेडी मैं मर चुका हूँ। 10 करोड़ सुनकर जान वापस आ गई। मर के तुम्हारी बीवी के पेट से पैदा होऊंगा सर। मुंह बंद कर, जाने दे, 50-50 शेयर कर लेंगे। सॉरी, डायमंड को तोड़ देंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने कहा पैसा बांट लेंगे। चोरी का माल है, किसी के लायक नहीं रहेगा। ए लाश उठाने वाला विक्रमादित्य तू है तो बेताल मांत्रिक मैं हूँ। चमचा बजाऊं क्या सर? तू दूसरों की बात करता हूँ तो चमचा बजाऊं क्या बॉस बोलता है? अब अपनी तारीफ कर रहा हूँ तो चमचा बजाऊं, ये क्या बॉस ने बोला है? फिर कभी ऐसा पूछा तो मार दूंगा। सर सर कोर्ट तो दे दो ना सर। ए रुको रे, बम अपने सामने है बॉस, क्या करें? व्हाट ए ग्रेट पर्सन बॉस। बम हमसे डरता है रे, इसलिए फट नहीं रहा। एक आदमी को एक ही टिकट मिलेगा बोला ना? ए चल, सुनता नहीं है, चल एक आदमी को एक ही टिकट मिलेगा। अबे अबे चल चल हट। हाँ चल, हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी। अबे सुनाई नहीं देता क्या? अरे रे 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 रे, साला रेस्ट ही नहीं मिलता। चलो अच्छा हुआ, गला सूख रहा यार। हाँ एक पैक लेता हूँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ ले लेता हूँ। हेलो, मैं सुबा राव बोल रहा हूँ। हाँ सुबा राव, जेम्स बॉन्ड का क्या रेस्पॉन्स है? बहुत बेकार है सर, प्रिंट में प्रॉब्लम है क्या पता नहीं चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर आर्टिस्ट ही दिखाई नहीं दे रहा है सर। ऐसा अब क्या करें? पता नहीं सर, लोग बहुत भड़के हुए हैं सर, शायद स्क्रीन को ही फाड़ देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है? प्रोड्यूसर से मिलने गए हैं सर, इसलिए तेलुगु में स्टार्ट लेने के लिए एकदम से सेट हो गया है। कुंज मोहन जी, आपकी सारी फिल्में भारी बजट में बनती हैं, लेकिन कहानी नहीं रहती, क्यों? कहानी कहानी किस लिए? फिल्म के लिए पैसा चाहिए, प्लेन उड़ना चाहिए, हेलीकॉप्टर की ब्लास्टिंग होनी चाहिए, ट्रेन ट्रेन डैशिंग होनी चाहिए, कार चेजिंग होनी चाहिए, फॉरेन में सॉन्ग होना चाहिए, कमाल की फाइट होनी चाहिए, सेंटीमेंट्स होने चाहिए, ब्यूटीफुल रेप होना चाहिए। चोरी का क्या संबंध है?
कॉमेडी ट्रैक होना चाहिए, कहानी क्यों चाहिए है? आप रीमेक क्यों नहीं बनाते? मेक फिर बनती है रीमेक। फिल्म मेक करने वालों को रीमेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अपनी नेक्स्ट पिक्चर के बारे में बताइए। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अंतरिक्ष से सागर यात्रा। अंतरिक्ष में सागर यात्रा? लेकिन वहाँ समुद्र कहाँ से आया सर? सर बोलने के लिए बेटी, जस्ट थिंक आर्ट डायरेक्टर हूँ, लोकेशन के बारे में सोचता हूँ। टोटल पिक्चर समुद्र में शूट करेंगे? नहीं बेटी, आधा मैं समुद्र में शूट करूंगा, थोड़ा सा चंद्रमंडल में करूंगा, फाइट सब अंगारका ग्रह पर करूंगा, क्लाइमेक्स पूरा आठ में दिखाऊंगा, न्यूक्लियर बम विस्फोट भी है ना, ये सब बताऊंगा नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करते हैं, फायदा हो या नुकसान इस बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, आज तक समझ गए ना तुम लोग? आप उसके बारे में क्यों सोचोगे, पैसा तो हमारा डूबेगा। ए कुंज मोहन से बात कर रहा है, संभलना। अब आप क्या बात करेंगे, आप पर भरोसा रखकर सिनेमा लिया, सिनेमा में लोकेशन के अलावा एक्टर है ही नहीं। एक्टर नहीं है, क्या बात कर रहा है, सुपरस्टार सूर्यकांत है, विलेन श्याम रेड्डी है। लेकिन फिल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने और डायरेक्टर ने हमें चीटिंग किया है। सच में? तेरे टकले की कसम, ए डायरेक्टर भयंकर पीलो को डाल दूंगा, ए तू हट रे। एक्शन। राइटर जी, कल आपने जो बीच में कहानी रोकी वो पूरी कीजिए। एक्शन। विलेन फाइल लिया, हीरो दे रे बोला, विलेन नहीं दूंगा, जा रे बोला, दे रे बोला, नहीं दूंगा, हाँ बिल्कुल नहीं दूंगा। ये क्या, लिपसिंग हो रहा है लेकिन डायलॉग क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं सर, वो सेंसर वाले भी कट करते हैं ना, इसलिए रुक गया था। एक्शन। वो फाइल दो, हीरो बोला नहीं दूंगा, ये विलेन बोला तू वो देगा तो तेरी बहन को दूंगा बोला। विलेन को गुस्सा आया, तू वो काम करेगा तो मैं तेरी माँ को दूंगा बोलता है। हीरो को गुस्सा आता है, विलेन को पकड़ा और उसके पलकों को कट किया। पलकों को? उतना ही नहीं, कटिंग प्लेयर से उसके नाखून भी निकाले, उसकी नाक में विस्की डाला। उसके बाद विलेन रोते हुए ए तेरे मुंह में डालूंगा बोलता है। कट। सुंदर राव जी, सीन अच्छा है, आपकी शक्ल बुरी है लेकिन आपका सीन सुंदर है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। क्या है रे? मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल ले जाना है, पैसे चाहिए सर। रे इतने बड़े सेंटीमेंट सीन में ऐसे एक्ट करने का, एक्शन में दम चाहिए, डायलॉग में पावर चाहिए, बोल सीन अच्छा बना, बोल बोल रे। सर मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए सर। अरे बाप, बहुत डल एक्ट कर रहा है, मैं एक्ट करके दिखाता हूँ, रिहर्सल करके दिखाता हूँ, देख कर एक्ट कर। मेरे रग रग में समाने वाली मेरी बीवी दवा खाने चली गई, कैसे भी करके बचाना है, बचाना है, पैसे चाहिए सर, पैसे चाहिए। ओके कट। ऐसे नेचुरल एक्टिंग करना चाहिए, एक बार कर एक्शन। मेरी रग रग के बीवी एक्सीडेंट हुआ। कट। वन मोर। तू नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा एक्शन नहीं चाहिए। ये कैसी बात बोल दिया राइटर, मेरा दिल तोड़ दिया यार। कम ऑन, संभालो अपने आप को। सुंदर राव जी, सीन अच्छा होना चाहिए, जबरदस्त आना चाहिए, कैसे आना चाहिए मालूम है? वो सेंटीमेंट सीन है, देखो उसे, एक्शन। ओके सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ है सर। सर प्रोड्यूसर है। हेलो। हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, फॉलो मी, तुम सीन डेवलप करो। चाहिए तो सबको पिक्चर दिखाऊंगा, अरे एक एक टिकट के हजार रुपए लौटाऊंगा मैं तुमको। वो बात नहीं है, रात को हीरो विलन बाहर गए। चुप कर। ए भगवान, रात को हीरो विलन बाहर गए, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने बच्चे की कसम खाकर कह रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं मान रहा, क्या करूँ मैं? ए उठ। क्या है दादाजी? रात को थिएटर गया था ना, जाकर क्या किया तूने?
स्वीटी ने कहा सिनेमा देखना है तो आपको बिना बताए चाबी लेकर चला गया। श्याम रेड्डी सूर्यकांत को मार रहा था तब हम सब डर गए दादाजी। जब आपने जो कहा था याद आया, वो प्रोजेक्टर लगा के स्विच दबाया। ये तूने क्या किया? अब वो कहाँ है तुम जानते हो? मालूम नहीं दादाजी, तो सच में मालूम नहीं। ठीक, मतलब तुम्हारे दादाजी को सब पता चल गया है? हाँ स्वीटी। फिर तो आगे से हमें संभल कर रहना होगा। कौन है? आपको ही? कौन है आप? मैं ऑपरेटर सुबारा बोल रहा हूँ। प्लीज टेक सीट। थैंक्स। पागल डॉक्टर बनने वाला साइंटिस्ट बन गया, अभी तो बोर्ड बात कर रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। कौन है? कौन है? कौन आया है? सुबह रहो, सुबह रहो। किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। मैं इधर हूँ यार। अरे अरे सुबह रहो, कैसा है रे तू? कब आया तू? हाँ बहुत टेंशन में हूँ रे। अरे अरे ऐसा, चल खाना खाते हुए बात करते हैं, बैठ। चल हाथ कर। ये क्या है, खाना खाओ बोलकर दवाई हाथ में रख दी? 4 का प्राइस के विटामिन है इसमें, आधा किलो चिकन के कैलोरी है इसमें, 1 कप दूध के प्रोटीन है। तीनों मिल जाएंगे तो फुल मिल से खा खा खा। नहीं रे, ये खाया तो जो खाया है वो भी निकल जाएगा, बहुत टेंशन में हूँ। क्या बात है, 25 साल पहले तूने मुझे एक रिमोट डिस्क दिया था, याद है तुझे? ठीक से बता। जिस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे, मेरा सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा सिनेमा एक्टर बनूं। एक बार मुझे रामा राव से बात करना है, मैंने तुझसे कहा तो तूने मुझे एक रिमोट डिस्क दिया, याद आया तुझे? याद आया। रिमोट डिस्क को प्रोजेक्टर से अटैच करके रेस रिलीज करेंगे तो स्क्रीन से आर्टिस्ट बाहर आ जाएंगे, वही ना? हाँ यार वही, मेरे पोते ने बिना बताए उसे इस्तेमाल कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। तुझे तो इंटरेस्टिंग ही लगेगा, आर्टिस्टों को स्क्रीन पर नहीं देखकर लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं लोग। अरे वही रिमोट डिस्क को इस्तेमाल करके उन्हें वापस स्क्रीन पर ला सकते हैं, मैंने ये बताया था ना? बताया था यार, लेकिन अब वो आर्टिस्ट कहाँ है ये मैं नहीं जानता ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देख उसे मैं ठीक करता हूँ, आता हूँ, रुक। तू बिल्कुल डर मत। सुन, इस प्रॉब्लम के बारे में मालूम था तो ये बनाया। इसको ऑपरेट करेंगे तो स्क्रीन पर से बाहर निकले आर्टिस्ट 2 किलोमीटर दूर रहेंगे तो ये डिंग डिंग करके सिग्नल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद यार, मैं आता हूँ। सुन सुन, मैंने एक और डिस्क बनाया है, उसको ऑपरेट करेंगे तो हम खुद ही डायरेक्ट स्क्रीन पर जा सकते हैं, हीरोइन के साथ गाना गा सकते हैं, मिडनाइट मसाला कर सकते हैं। ये बहुत बहुत एडवांटेज है, अभी अभी लाता हूँ, रुक रुक। अब मुझे उतना सहन नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तेरे पास ही रहने दे सेफ्टी। इसलिए आर्टिस्ट नहीं ऑपरेटर बना गधा। माँ! क्या हुआ? माँ चिपकली! अरे क्या हुआ? चिपकली, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुम्हारे जैसा आदमी चिपकली से डरता है क्या? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। क्या हुआ पिताजी? किससे बात कर रही हो बेटी? कुछ नहीं। नहीं किसी से? आदमी की आवाज आई। कुछ नहीं डैडी, मैं मिमिक्री सीख रही हूँ। मिमिक्री? देखा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, पता नहीं सब अजीब सा है। तेरे कपड़े क्यों भीग गए? बाथरूम का शॉवर ठीक है या नहीं वो देख रही थी डैडी। तुझे कुछ तो हुआ है? हाँ डैडी, मुझे कुछ तो हुआ है। ठीक है, पहले तो कपड़े बदल, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। ठीक है डैडी। एक्शन! 3 फिल्में हूँ तू ये बोलकर ये फिल्म भी रिलीज की थी? अरे कहता हूँ लूट गया कुबेर जी। ये क्या, सब तो विष्णु को याद करते हैं, तुम क्यों कुबेर को याद कर रहे हो?
विष्णु जी ही कुबेर के अवतार है ना, इसलिए प्रोड्यूसर साहब कुबेर को याद करते हैं। कड़कते हुए पांच क्यों के नोट से हीरोइन को मैंने साइन किया था, बाथरूम में हेलीकॉप्टर से जाऊंगा सोचा था, अब मेरी पोजीशन क्या है? अरे कुबेर जी बचाओ। अब क्या हुआ जो तुम रो रहे हो? अब क्या होगा तेरी तो न्यू टेक्निक, न्यू टेक्निक कह रहा था, ऐसे ही फेस आधा दिखाना, वैरायटी बोला, तेरे पे भरोसा करके मुझे तो भीख मांगनी पड़ेगी लगता है। सुनो वो ऐसे ही रोएगा, लेकिन इस दिन में से हीरो बाहर आने का पॉइंट बहुत अच्छा है, यही हम सिनेमा में डेवलप करेंगे, सुपर डुपर हिट हो जाएगा। डेवलप करूं क्या, क्या बोलते हो? अरे चुप कर रहे, एक सिनेमा फ्लॉप की वजह से रो रहा हूँ, 100 दिन के सिनेमा की बात कर रहा है, तू दूं क्या है तुझको? ए तुम चुप करो, हे भगवान, भूत को नीचे आते सुना लेकिन हीरो विलन स्क्रीन से बाहर आते नहीं सुना, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ। कैसे? आर्टिस्ट मेरे आँखों के सामने दिख रहे हैं इसलिए। कौन सी आँख से भाई? इस आँख से। बॉस खाइए बॉस, आप भूखे मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा बॉस? तुम्हारा प्यार देखकर मेरा दिल पिघल रहा है, दे दो रे इसको। चम्मच से खिलाता हूँ बॉस। अरे श्याम रेड्डी क्या रे तू, ए शूटिंग के टाइम पर गोलकुंडा से टिफिन, बंजारा हिल्स में रहने का, और अब ये झाड़ के नीचे बैठकर बटानी खा रहा है। कौन है रे तू, देख रे मुझे रे बोलेगा, रोल के लिए कुत्ते के जैसा मेरे घर के पास घूमता था। ए ज्यादा बोला तो 32 दांत निकाल दूंगा। क्या कहा, इसके 32 दांत तोड़ देगा, तुझे भी मारूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे डायरेक्टर मेरे राइटर को मारता है रे, तुझे भी मारूंगा। अब बता रहे तू कौन है? मैं डायरेक्टर हूँ। क्या प्राइमरी का? नहीं, सिनेमा का। अरे मेरी बात सुन, डर मत, अभी अभी मुझे ये कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, अब सब ये सब कुछ मुझे अब समझ में आ रहा है। उस शराबी के कहने के हिसाब से ये लोग रियल करेक्टर में हैं, उसी करेक्टर में, समझे? ये सच है तो हम तो गए, सूर्यकांत किधर है? ए वो कौन है बे? ए क्या रे, वो बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड। ओहो बॉन्ड को ढूंढ रहे हो, फिर तो तुम्हें डायमंड के बारे में मालूम होगा, पकड़ो इसे, पकड़ो। बाप रे बाप, मर गया, क्या करने जा रहे थे, क्या हो गया, हमको छोड़, ए, हमको लेकर चलो रे इनको। ए क्या कर रहे हो, डायमंड ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, वो हिफाजत से रखा वो हुआ है। सरकार का खजाना है, उसे छुपाना बहुत बड़ा क्राइम है, जानती हो तुम? हाँ क्या, तो ठीक है और एक क्राइम करूंगी। स्वीटी स्वीटी, मम्मी। ओ आई सी, आंटी आंटी, रुको, तुम्हें देखेगी तो मुझे मार देगी। बस इतनी बात है ना? आप रे इधर आओ। कहाँ कहाँ ले आ रही हो आंटी? ओफो, क्या कर रही है? टीवी देख रही हूँ मम्मी। इंग्लिश चैनल देखने के लिए कितने बार मना किया है? सॉरी मम्मी, मुझे थोड़ा शक हो रहा था, 2-3 दिन से कमरे से बाहर आई नहीं। बाहर जाओ तो गलत, नहीं जाओ तो गलत। गलत ही है, तुझे घर में रखना हमारी गलती है। वैजाग से तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पागल जैसे कुछ भी पूछकर परेशान किया ना, तो याद रखना। मम्मी क्या है, मैं किसी से प्यार करती हूँ? मैं नहीं मान सकती। सच है मम्मी, इट्स अ फैक्ट, वो बहुत हैंडसम है। मुंह बंद कर नहीं तो शक्ल बिगाड़ दूंगी। प्लीज मम्मी, तुम उसे एक बार देखोगी तो? ठीक है, तूने पसंद किया, हमें पसंद नहीं आया तो हमारी पसंद माननी पड़ेगी। ओके मम्मी, कल ही लेकर आती हूँ। ओके कॉफी लीजिए। मम्मी यही है वो ही मैन, बैठो बेटा। रिमोट डिस्क के बारे में मैंने आपको बताया ना, बच्चों ने मुझे बिना बताए उसका इस्तेमाल किया सर। हाँ? ऐसा
मतलब तुम जो बोल रहे हो वो सूर्यकांत यही है? तुम जल्दी आओ। ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ। सर सर सर, कोई भी एड्रेस बताकर अपनी जान बचाते हैं ना। ए, क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, पूरा खून पीने से पहले सच बताने के लिए कह रहा हूँ, बस इतना ही बोला है सर। जल्दी बोल रहे। जल्दी बोलो ना सर। बोल दीजिए सर। गोलकुंडा चौरस्ता में चार मीनार कंपनी के पास गोल्ड फ्लैग कॉलोनी में सीधे सालारंग जंग स्ट्रीट में जहाँ पर वो बिल्डिंग गिरी हुई है, वो बॉन्ड उसी में रहता है। करेक्ट सर। ए, तू इन्हें देख, हम जाकर आते हैं। चलो रे। आहा, कितना सही पता बताया है। ए, रस्सी खोल। मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ, मेरा कोई डायलॉग नहीं। आहा, जूनियर आर्टिस्ट होकर भी कितना अच्छा डायलॉग बोलते हो। एक काम करें। क्या? अपनी नेक्स्ट पिक्चर में हीरो को हटाकर इसको हीरो ले लेते हैं, फिल्म फ्लॉप ही तो होगी। गुरु जी, मेरे पास अच्छी कहानी है, चोरों का राजा। ए, वो सब बाद में, पहले खोलो 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 खोलो, जल्दी खोलो। तुम जल्दी खोलो। कैसे लगते हो? बंधे हुए तीनों को तुम देख नहीं पाए। ऐसे गधों को अपने गैंग में लेने से मना करता हूं। सुनते कहां हो? वही सोच रहा हूं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? कौन है रे तू? बॉस, ये रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर जैसा लग रहा है बॉस। अरे उतारो मुझे, मैं सीबीआई ऑफिसर नहीं हूँ, सिनेमा थिएटर का ऑपरेटर हूँ। तुमको ढूंढता हुआ इतनी दूर आया। ए, हमसे तेरा क्या काम है? बताता हूँ, तुम सामान्य इंसान नहीं हो। ए? नहीं नहीं नहीं, तुम सामान्य इंसान नहीं हो, सिनेमा के कैरेक्टर हो। ए, उड्डा क्या कह रहा है रे? मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ, मेरा कोई डायलॉग नहीं। तेरा डायलॉग नहीं है, मेरा डायलॉग बताने दे। मेरे पोते और उसकी दोस्तों की छोटी सी हरकत की वजह से तुम सब ऐसे हो गए हो। लड़के मतलब, उस दिन बॉन्ड के साथ मिलकर भाग गया वही बच्चे हैं शायद। करेक्ट, फिर तो तुम्हें उनके बारे में मालूम होगा। अच्छे से मालूम है, बॉन्ड उसके साथ ही है ना? संभाल कर है। वो डायमंड उसके पास ही है, उसने वापस दे दिया। ए मुंह मत कर, उस डायमंड के बारे में सिर्फ हमको ही मालूम होना चाहिए, किसी और को नहीं। डायमंड क्या है? सब सुन लिया ना, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। वो डायमंड मैं तुम्हें ला कर दूंगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा सुनोगे तो सुनेंगे। अब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अपने आदमी नहीं भेजना। प्रॉमिस प्रॉमिस। इधर ही रुको, इधर ही रुको। उसे ऐसे ही छोड़ दिया बॉस। ए, बड़े शेर को पकड़ने के लिए एक बूढ़ी बकरी चाहिए ना। That's a brilliant thought, boss. इतनी छोटी सी बात के लिए परेशानी क्यों? ये नहीं तो कोई और सही। ये इतना आसान नहीं है, जिंदगी में कोई भी एक ही बार प्यार करता है। इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब आगे क्या करेंगे? स्वीटी, सब भूल कर चल पिक्चर देखने जाते हैं। प्लीज हम
हम अपनी स्वीटी को दुखी देख नहीं सकते। पसंद नहीं है कह रहा है ना, क्यों पूछ रहे हो? इससे मैं बात कर रहा हूँ। What the hell? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? मैं कोई प्यार करने की मशीन हूँ क्या? तुम समझते ही क्या हो बच्चे? लाओ क्या हलवा है कि मुंह में रखा और खा लिया तुमने? चलो चलते हैं। प्लीज हमारी पसंद की चॉकलेट गुड़िया खिलौने हम सब तुम्हें दे देंगे, हमारी स्वीटी से लव कर लो ना। स्वीटी रुको, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? पसंद हो इसीलिए तो। ओके आई लव यू। क्या कहा? वापस कहो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तेरा जो थाम लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं सोच लो, एक तेरे सिवा फिर किसी को मैं देखूंगा नहीं सोच लो। जिसने ना किया उसने क्या किया? वाह भैया वाह, हीरो भैया वाह, वाह मुन्ना वाह, हो नन्हा मुन्ना वाह। हंसाते हैं रब की ये नेमत है। छोड़ूंगा नहीं सोच
सोच लो, एक तेरे सिवा फिर किसी को मैं देखूंगा नहीं, सोच लो। प्यार तो है खुदा, प्यार ही सजदा है, बाहों में प्यार के जन्नत ही जन्नत है। जेम्स बॉन्ड 00 00, उस दिन म्यूजियम में मुझे फूल बनाया, बट आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। बता डायमंड कहाँ है, बता। नहीं बताऊ। तू इसे मार, मैं एंजॉय करूंगा। मार उसे, मत मारो। नहीं, उसे कुछ मत करो। क्या चीज है? hey! लड़की को हाथ मत लगाना। क्या करेगा रे? ए, उसे देख रे, मैं इसको देखता हूँ। इंसान हो के जानवर हो, ये लो डायमंड, उन्हें छोड़ दो। सूर्यकांत, डायमंड मिल गया। ए, डायमंड मिल गया रे। सूर्यकांत, 100 करोड़ मेरे हैं। ए बुड्ढे, इधर आ। थैंक यू बुड्ढे, मुझे डायमंड मिल गया। मेरे डायमंड देने के बाद जैसे बोलूंगा वैसे करोगे, बोला था ना, वो डायमंड लेकर सब मेरे सिनेमा हॉल में आ जाओ। चलो चलो चलो। बेटी स्वीटी, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, वो रिमोट डिस्क वहीं पर है ना? हाँ, वहीं पे है दादाजी। जल्दी लेकर जाओ बेटी। ऑपरेशन सक्सेस रहा, आपका लड़का ठीक है। क्या हुआ, उसे पकड़ा? पकड़ने वाले ने खुद ही खाट पकड़ ली, तो उनको कौन पकड़ेगा? ओह माय गॉड, कोई भी कुछ भी कर रहा है। बॉन्ड, बॉन्ड। नो, किसी भी हाल में आपको इतना नहीं चाहिए,
आपके शरीर में खून बहुत कम है। नो, मैं जिस धरती पर पैदा हुआ उस धरती के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे दूंगा। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। रुको बॉन्ड, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं, सूरज रेस्ट लेगा तो दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, बॉन्ड रेस्ट लेगा तो पूरे देश में अंधेरा हो जाएगा। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको बेटा। बॉन्ड, मेरी बात सुनो बॉन्ड। डियाजी साहब, अशोक चक्र में तीन शेर हैं, तीन बिल्लियां नहीं। आ, आ। It's a wonderful diamond, you know. You're right, Mr. Charlie. It's a very rare diamond. I've never seen it. बहुत अच्छा। Wow, super. Dear friends, आज इस हीरे को कौन खरीदता है देखते हैं। रामा रेड्डी की बोली 100 crores, 200 crores, 300, 400, 500 crores, 1000 crore, 1000 crore 1, 1000 crore 2, 1000 crore 3, 3000 crore। जी साहब, ले जाइए इनको। आप जैसे सिंसियर ऑफिसर जब तक हैं, इस देश में कभी क्राइम नहीं हो सकता मिस्टर बॉन्ड। थैंक यू मिस्टर बॉन्ड। ओके सब कम ऑन, कम ऑन। चलो चलो, अब ये मेरे हाथ में है, बट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते। एक्शन। सुनो बेटी, तुमने ये सब किया ये मुझे अभी अभी पता चला है। तुम पसंद करती हो ना, सूर्यकांत को लेकर आए हैं। आई एम सॉरी, मैं सूर्यकांत से प्यार नहीं करती। क्या, प्यार नहीं करती? हाँ अंकल, प्यार में और चाहत में फर्क जान गई हूँ। वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन है, पहचान गई। आई एम सॉरी अंकल। मैं अपने दिल की बात बताऊं, अपने सारे चाहने वालों से प्यार करूं, मैं कोई भगवान कृष्ण तो नहीं हूं। शाबाश, क्या बोला भाई। अपनी शादी में बुलाओगी ना? श्योर। भूलना मत, ओके, ऑल द बेस्ट। शादी में हम लोगों को बुलाओ। हाँ। सूर्यकांत,
क्या है चिट्ठी? ऑटोग्राफ प्लीज।